अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मिड टर्म का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो है वो फाइनल टर्म की एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें हमारा CS 302 प्रैक्टिकल बुक का क्विज जो है वो आ चुका है। CS 302P का क्विज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इन अ फुल एडर सर्किट हैविंग इनपुट ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन एंड सिन इक्वल टू जीरो, द आउटपुट एस एंड काउंट विल बी। तो इसका राइट आंसर है जी एस इक्वल टू जीरो एंड काउंट इक्वल टू वन। ये इस MCQs का बिल्कुल राइट आंसर है कि एस इक्वल टू जीरो एंड काउंट इक्वल टू वन। नेक्स्ट MCQs देखें जी। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज़ यूज फॉर पार्टी जनरेशन फॉर अ बाइनरी डाटा स्ट्रिंग। तो इसका राइट आंसर है आपका XOR। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज़ यूज फॉर पार्टी जनरेशन फॉर अ बाइनरी डाटा स्ट्रिंग। तो इसका राइट आंसर है XOR। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQs देखें। वेन इम्प्लीमेंटिंग अ हाल्फ एडर बाई यूजिंग गेट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज यूज टू रिटर्न कैरी बिट। तो इसमें राइट आंसर आपका बी वाला है XOR। बी इज द राइट आंसर। आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर है, इसमें जो XOR है वो आपका राइट आंसर है। चलते हैं जी नेक्स्ट MCQs पर। टोटल नंबर ऑफ इनपुट इन अ हाल्फ एडर इज, इसका राइट आंसर है टू, यानी के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है टू। टोटल नंबर ऑफ इनपुट इन अ हाल्फ एडर इज, तो राइट आंसर आपका है जी टू। चलते हैं जी नेक्स्ट MCQs पे। कि इन हाल्फ एडर कैन बी बुलेट बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ, अ हाल्फ एडर कैन बी बुलेट बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो इसमें आपका फर्स्ट आएगा एंड, देन फिर आएगा XOR। फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट आपका एंड आएगा एंड सेकंडली आपका XOR आएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर कि अ हाल्फ एडर कैन बी बुलेट बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड XOR। नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग अ हाल्फ एडर बाय यूजिंग गेट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज यूज टू गिव सम एज अ आउटपुट। तो XOR इज द राइट आंसर। When implementing a half adder by using gates, which of the following gate is used to give sum as a output? तो XOR आपका जो है वो right answer है इसका, यानी कि A is a right answer. Next देखें जी। In 8 multiply 1 multiplexer, which one of the following line must always be connected to ground in order to activate the multiplexer? तो राइट आंसर है जी आपका VCC। इन 8 × 1 मल्टीप्लेक्सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड इन ऑर्डर टू एक्टिव द मल्टीप्लेक्सर। तो राइट आंसर है जी आपका VCC इज द राइट आंसर, यानी कि बी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs देखें। टू बुलेट अ फुल एडर यूजिंग गेट्स, हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड? टू बुलेट अ फुल एडर यूजिंग गेट्स, हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड? तो इसका राइट आंसर है जी सी, टू एंड गेट्स, टू XOR गेट्स एंड वन आर गेट्स। टोटल हमें कितने गेट्स की जरूरत पड़ेगी? 5 गेट्स लगेंगे, जिनमें टू एंड गेट्स होंगे, टू XOR गेट्स होंगे और वन आपका आर गेट होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी है कि टोटल हमारे 5 गेट्स होंगे, जिसमें टू एंड गेट्स, टू XOR गेट्स एंड वन जो है वो आर गेट होगा आपका। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQs देखेंगे। इसमें है कि इन अ फुल एडर सर्किट हैविंग इनपुट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट करवा देता हूँ कि इन अ फुल एडर सर्किट हैविंग इनपुट ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन एंड सिन इक्वल टू जीरो, द आउटपुट एस एंड काउट विल बी एस इक्वल टू जीरो एंड काउट इक्वल टू वन। नेक्स्ट MCQs देखें। अ फुल एडर सर्किट टेक डैश बिट्स एज अ इनपुट,
एंड रिटर्न डैश बिट्स एज अ आउटपुट। आपका जो फुल एडर सर्किट होता है ना, वो आपके आउटपुट से एक एक्स्ट्रा ज़्यादा मतलब इनपुट लेता है। तो इसमें राइट आंसर आएगा कि 3 बिट इसकी इनपुट होती है एंड 2 बिट इसकी आउटपुट होती है। इसमें है क्या, फुल एडर सर्किट टेक्स 3 इनपुट बिट, यानी कि 3 बिट्स का इनपुट लेगा एंड आउटपुट क्या देगा, 2 बिट्स। तो 2 बिट्स जो है इसका आउटपुट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, हाउ मैनी स्लैक लाइन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर अ 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये 3 इसका राइट आंसर है। हाउ मैनी स्लैक लाइन्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ऑन 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो राइट आंसर है 3। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वालिटी प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है कि ये आपकी जो CS302 प्रैक्टिकल बुक है ना, इसके क्विज बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो जो क्विज मिलते हैं उनकी क्वालिटी ही कुछ ऐसी होती है कि वह मुश्किल पड़ा जाए इनको। इसलिए आप लोगों ने क्वालिटी के लिए बात नहीं करनी कमेंट में कि सर क्वालिटी लो है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आपकी ये बुक जो है इसके क्विज बड़ी डिफ़िकल्टी से मिलते हैं। तो जैसे तैसे मिलते हैं हम शेयर कर देते हैं। हाउ मैनी स्लैक लाइन्स वुड बी रिक्वायर फॉर ऑन 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो राइट आंसर है आपका जी 3। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज यूज फॉर पार्टी जनरेशन फॉर अ बाइनरी डाटा स्ट्रिंग। XOR इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज यूज फॉर पार्टी जनरेशन फॉर अ बाइनरी डाटा स्ट्रिंग। तो राइट आंसर है आपका जी ए वाला, XOR इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ XOR गेट यूजिंग NAND गेट ओनली डैश गेट्स आर रिक्वायर्ड। तो राइट आंसर है आपका 1। इन ऑर्डर टू बिल्ड अ XOR गेट यूजिंग NAND गेट्स ओनली डैश गेट्स आर रिक्वायर्ड। तो राइट आंसर आपका है जी 1। चलते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन अ फुल एडर सर्किट हैविंग इनपुट। ये हम 2 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है जी S=0 एंड COUT=1। आपको भी पता है टोटल 5 एमसीक्यूज आते हैं आपके CS302 प्रैक्टिकल बुक के। तो ये मोस्टली क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, हाउ मैनी लाइंस वुड बी रिक्वायर फॉर, ये भी हम रिपीट कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है जी 3। 8x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी लाइन्स की ज़रूरत होगी, 3 लाइन्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें कि आ फुल एडर सर्किट टेक्स 3 इनपुट एंड रिटर्न 2 आउटपुट। तो राइट आंसर इसका बी है जी, 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट इज द राइट आंसर है इसका। तो इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने इसको देख लेना है मज़ीद अपने हैंड आउट्स में। आप लोगों को क्विज इसलिए शेयर किए जाते हैं कि आप लोगों को क्विज मिल नहीं रहे होते कि क्विज आ क्या रहा है इस बुक का। तो बेसिकली ये आपके साथ मैंने क्विज शेयर किए हैं, आप लोग अपने हैंड आउट्स में इनको सर्च लाजमी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने MCQs हैं, 20 MCQs हैं ना, आप लोग सर्च कर लें इनको, ठीक है। नेक्स्ट MCQs वही है, रिपीटेड ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट के सेम ही MCQs हैं। आप ये 20 MCQs कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 4-5 MCQs जो आने हैं ना, टोटल इन्हीं में से आने हैं। हाउ मैनी स्लैक लाइन वुड बी रिक्वायर ऑन 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसका राइट आंसर है जी 3। तो स्टूडेंट ये थे हमारे क्विज CS302P के। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी बुक्स के भी क्विज आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर किए जाएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सीमानिल्ला, अपना ख्याल रखिएगा।